ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे हमारे हिंदू धर्म की 29 बातें जिनका रहस्य अभी तक कोई नहीं जान पाया है। 25 हम आपको बता चुके हैं और बाकी का हम आपको बताने वाले हैं चार। 26वां रहस्य है, क्या रावण के एक्चुअली में 10 सर थे? सचमुच ये एक ऐसा रहस्य की बात है, किसी के 3, 4 या 10 सर, भगवान दत्तात्रेय के 3, ब्रह्मा जी के 4 और रावण के 10 सर। रावण, दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। रावण तो सिर्फ रावण ही है जो हमेशा एक ही रहा है। राजाधिराज लंका पति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। कहते हैं कि रावण लंका का तमिल राजा था। जैन शास्त्र में रावण को प्रति नारायण माना जाता है। जैन धर्म के 64 शलाका पुरुषों में रावण की गिनती की जाती है। जैन पुराणों के अनुसार महापंडित रावण आगामी 24वें तीर्थकर की सूची में भगवान महावीर की तरह 24वें तीर्थकर के रूप में मान्य होंगे, इसलिए कुछ प्रसिद्ध प्राचीन जैन तीर्थस्थलों पर उनकी मूर्तियां भी प्रतिष्ठित है। पर क्या रावण के 10 सर थे? कहते हैं कि थे, पर क्या सचमुच यह सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था, इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेद का ज्ञाता था, इसलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए। जैन शास्त्र में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थी। उक्त 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। हालांकि ज्यादातर विद्वान और पुराणों के अनुसार तो यही है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था जो अपनी माया के द्वारा 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर सकता था। उसकी मायावी शक्तियां और जादू के चर्चे जगत प्रसिद्ध थे। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते थे। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की 10वीं को रावण का वध हुआ, इसलिए 10वें के दिन रावण दहन किया जाता है। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने वाहन से काट देते थे पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। विचार करने की बात यह है कि एक अंग के कट जाने पर वहां पुनः नया अंग उत्पन्न कैसे हो सकता है। वस्तुतः रावण के ये सिर कृत्रिम थे, आसुरी माया से बने हुए थे, क्या था इसका रहस्य कोई नहीं जान पाया है। मारीच का चांदी के बिंदुओं से स्वर्ण मृग बन जाना, रावण की सीता के समक्ष राम का कटा हुआ सर रखना, यदि इसे सिद्ध होता है कि राक्षस मायावी थे, वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल जानते थे, तो रावण के 10 सिर और 20 हाथों की मायावी या कृत्रिम भी माना जा सकता है। पर यह रहस्य आज भी रहस्य है। फिर 27वां रहस्य है कि भारत के डॉक्टर 2003 और 2005 में भी प्रहलाद जानी की अच्छी तरह जांच परख कर चुके हैं, पर अंत में दांतों तले उंगली दबाने के सिवाय कोई विज्ञान सम्मत व्याख्या नहीं दे पाए। इन पांचों के अगुआ रहे हैं अहमदाबाद के न्यूरोलॉजिस्ट तंत्रिका रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर शाह ने कहा कि उनका कोई शारीरिक ट्रांसफॉर्मेशन कायाकल्प हुआ है। वे जाने अनजाने में बाहर से शक्ति प्राप्त करते हैं, उन्हें कैलोरी यानी भोजन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमने तो कई दिनों तक उनका अवलोकन किया है, एक एक सेकंड का वीडियो लिया है। उन्हें ना तो कुछ खाया है ना पिया है, ना पेशाब किया और ना शौचालय गए हैं। प्रहलाद जानी उनका नाम है। यह रहस्य भी आज तक रहस्य ही बना हुआ है। फिर आत्मा या प्राण का कहीं और होना। वैसे कहा जाता है कि हमारे आत्मा का वास दोनों भावों के बीच भृगुटी में रहता है, लेकिन हमने पुराणों और अन्य ग्रंथों में पढ़ा है कि कुछ लोग पशुओं या पक्षियों का प्राण या जीव अन्य कहीं होता है। जैसे किसी राक्षस की जान तुते में होती है, जब तक तुते को नहीं मारो तो राक्षस का मरना असंभव था, उसी तरह रावण की जो जान थी वो नाभि में थी। क्या ऐसा संभव हो सकता है? ऐसी मान्यता है कि रावण ने अमरत्व प्राप्त करने के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या का वरदान मांगा था, लेकिन ब्रह्मा ने इस वरदान को
ना मानते हुए कहा था कि तुम्हारे जीवन नाभि में स्थित रहेगी, रावण की अजर अमर रहने की इच्छा रहेगी। यही कारण था कि जब भगवान राम को यह राज बताया गया और कि रावण का जीवन उसकी नाभि में है, नाभि में ही अमृत है, तब राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मारा गया। हालांकि रावण की जान तो नाभि में थी, लेकिन हमने पढ़ा है कि कई दैत्यों, दानवों, राक्षसों आदि की जान उनके खुद के शरीर से बाहर कहीं और सुरक्षित रखी होती थी। कहानियों में पढ़ा है राक्षस की जान तोते में थी, तोते की गर्दन मुड़ तो राक्षस की गर्दन मुड़ जाती थी। ये सब जो रहस्य हैं जो हमारे शास्त्रों में, इसका रहस्य आज तक नहीं पता चल सका। रावण उसका जीता जाता उदाहरण है। फिर 28वां रहस्य वो है यति। बिगफुट कर रहा है मानव, बिगफुट कहते हैं उसे क्योंकि वही सब कहते हैं कि वही धरती का असली प्राकृतिक प्रजाति है। आज का स्टार तो स्टार प्रोडक्ट है। तो यति के बारे में या बिगफुट के बारे में आज तक नहीं मालूम पड़ चुका है। यति मानव का वर्णन पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। कहते हैं कि हिमालय में कहीं रहते हैं और बहुत कम लोगों को दिखाई देते हैं। हालांकि अब तक उनके होने की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कई लोग उनको देखे जाने का दावा करते हैं। भारत में कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल आदि राज्यों के लोग उनको देखे जाने का दावा करते आए हैं। नेपाल और तिब्बत के लोग भी अति मानव को होने में विश्वास करते हैं। फिर 29वां रहस्य जो आज का है, आज भी भारत की धरती पर ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कई वर्षों से भोजन नहीं किया है, लेकिन सूर्य के बल पर आज भी स्वस्थ और जिंदा है। भूख और प्यास की से मुक्त सिर्फ सूर्य के प्रकाश के बल पर जिंदा है। प्राचीन काल में ऐसे कई सूर्य साधक थे जो सूर्य उपासना के बल पर भूख प्यास से मुक्त ही नहीं रहते थे, बल्कि सूर्य की शक्ति से इतनी ऊर्जा हासिल कर लेते थे कि किसी प्रकार का चमत्कार कर सकते थे। उनमें से ही एक सुग्रीव के भाई बाली का नाम भी लिया जाता है। बाली में ऐसी शक्ति थी कि जिससे भी लड़ता था उसकी आधी शक्ति छीन लेता था। वर्तमान युग में प्रहलाद जानी पुख्ता उदाहरण है कि बगैर खाए पिए व्यक्ति जीवन गुजार सकता है। गुजरात में मेहसाणा जिले के प्रहलाद जानी एक ऐसा चमत्कार बन गए हैं जिसने विज्ञान को चौतरफा चक्कर में डाल दिया है। वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है। तो ये रहस्य जो है आज तक उलझा हुआ है, इसे सुलझाया नहीं जा पाया है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।